الحمد لله رب العالمين وصلي على رسوله الكريم والمهدي المعروف العظيم وصلي على آلهما وأصحابهما أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير सदक अल्लाह अज़ीम। वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसकी गिर्दागिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। सारी तारीफ और सारी पाकी उसी खुदाए ज़ुल्जलाल के लिए सज़ावार है जो इस कायनात का मालिक है, इसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है। सारी पाकियां, सारी खूबियां, सारी तारीफें उसी अल्लाह अज़्ज़ोजल के लिए सजावार है जिसका जहां वो जलाल वाला बादशाह का तख्त हमेशा हमेशा से आबाद है और हमेशा हमेशा आबाद रहेगा। वो पाक परवरदिगार, वो पालनहार जो अपने मानने वालों को भी पालता है और इनकार करने वालों को भी पालता है। वाला रब्बुल इज्जत जो किसी को हिदायत दे दे तो उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं, और किसी को गुमराह कर दे तो उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। वो ज़ात बेनसीब बेनसीब बेमिसल है, उसकी कोई मिसाल है। वो बेनज़ीर है जिसकी कोई नज़ीर नहीं, जिसका जमाल बकमाल है कि जिसके ताल्लुक से कहा गया कि वो अकल जो शै वो शय जो अकल की गैब में आ जाए वो खुदा नहीं, यानी वो अकल में समाता नहीं, वो अकल की हद से आगे है, वो परे है। हाँ, जब उसकी सिफात का बयान होता है तो बयान करने वाले इस तरह कहते हैं, यानी सलीमुल्लाह मेरे मौल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी ज़ात बयान में नहीं आती। हाँ, सिफात बयान में आते हैं तो वो सिफात इस तरह से हैं कि वो खुदा उज़्ज़ल उसकी शान देखिए कैसी निराली है। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की नाक में रस्सी डालकर सारी जमीन का चक्कर लगाया जाए और उसे सुई के नाके की मानिंद अल्लाह का दीदार करा दे तो वो यही कहेगा कि 10,000 साल इसी तरह जमीन का चक्कर लगाया जाए लेकिन फिर एक मरतबा वही दीदार करा दे, वही दीदार करा दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार की ये कैफियत है, सुई के नाके की मानिंद की दीदार में ये कैफियत है कि बंदे खुदा तालिब मौला आशिक खुदा अपने नाक में रस्सी डालकर जानवरों के मानिंद जो है जमीन का चक्कर लगाने तैयार है। वो एक मरतबा नहीं, हजारा मरतबा, 10,000 साल। किस लिए? सुई के नाके के मानिंद अल्लाह की दीदार के लिए। तो सोचिए मेराज का आलम क्या होगा जहाँ पे रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ात का दीदार हासिल हुआ। आइए उस मिराज की तफसील इंशाल्लाह जो आपके सामने बयान की जाएगी। हजारों दुरूद व सलाम हो हमारे आका, हमारे मौला, हमारे सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाहद वादहू ला शरीक, जिसने मोहब्बत की, जिससे मोहब्बत की वो अहमद कहलाया, उन पर हजारों दुरूद व सलाम। और आपके आल व असहाब पर, और उसी तरह फातिमे विलायत मोहम्मदिया हुजूर मेरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी में माऊद अलैहिस्सलाम तस्लीम, और आपके आल व असहाब पर हजारों दुरूद व सलाम। आज की इस मुबारक शब में मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वाकया एक हकीकत जिसे किसी को इनकार नहीं, वो आपके सामने जो है पढ़ा जा रहा है। देखिए, ईमान फ़ोज़ वाकया है, एक अहम चीज़, एक बहुत बड़ा राज फाश किया गया और बताया गया
कि इंसान एक एक नमूने के तौर पर बताया गया। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो एक शख्स कहां तक जा सकता है और क्या कर सकता है बताया। फिर उसकी तफसील भी आगे तफसील बताई कि उनकी इत्तेबा में कौन कौन जो है दीदार खुदा से जो है मुशर्रफ हो सकता है। ये जैसा कि हमारे बड़े कहते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी दीदार खुदा की, यहाँ पे जो है दरवाज़ा खोला है। अब आम बच्चों के वास्ते बज़ाहिर जो वाक़या जो शरीयत में पढ़े जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप सुनेंगे आगे कि बज़ाहिर ये मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हकीकत में तमाम कायनात की मेराज है। जहाँ जहाँ से रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ हर उस शय की मेराज हुई, बुराक की मेराज, मस्जिद हराम की मेराज, मस्जिद अक्सा की मेराज, जिब्राइल अमीन की मेराज, तमाम अंबियाओं की मेराज, तमाम आसमानों की मेराज, अर्शे मौला की मेराज, तमाम हर हर शय की जो है मेराज हुई है। क्योंकि हुजूर पुनूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात बाबरकात है कि आप खुद फरमाते हैं कि अना मिन नूरुल्लाह व कुल्लु शय नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और हर शय मेरे नूर से है। यानी ये जो जमीन और आसमान, ये जो कायनात, ये जो जन्नत और दोज़ख, जो हर शय है वो हुजूर पुनूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नूर से है। गोया इस रात को हर एक ने अपनी अपनी असल को देखा, यानी जिससे वो बना हुआ है उसको देखना वही जो है मेराज है। और इस एक सूफी के कौल के साथ जो है मेराज के वाक़े का जो है आगाज किया जाता है कि एक वली अल्लाह फरमाते हैं कि इंतहा इब्तिदा को लौटने का नाम, इंतहा जो है इब्तिदा को लौटने का नाम है। समझने वालों का इसके अंदर बहुत सारे राज हैं। इंतहा जो है इब्तिदा को लौटने का नाम। बहरा आगे बढ़ते हुए मक्के मुअज्जमा का वाक़या है। हिजरत से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथियों के ऊपर, जैसा कि कोई जानता है, खुसूसन वो 13 साल का मक्की दौर काफ़ी जुल्म और सितम का गुजरा है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हर तरीके से आजमाया गया था। जुल्म और सितम की जो है अंबार लगा दी गई थी। वो कहते हैं ना कि जो है यश नहीं आसान, बस इतना समझ लो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जब ये पूरे इम्तिहान से पार हो गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी हिजरत से 1 साल कबल, बाज़ रिवायत में 2 साल कबल, अल्लाह ताला ने आपको जो है मेराज पर बुलवाया। तमाम तकालीफें, काफ़ी अज़ियतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है दी गई। कि रसूल खुद फरमाते हैं कि हर नबी को जो है तकालीफ दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा तकालीफ जो है आपको दी। बहरहाल तो रिवायत में आया है, अब आपके सामने जो है पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आगे हम अल्लाह चाहे तो थोड़ी तफसील भी सुनेंगे। मैं दिमाग सलाम के पराम के जरिए और कौम के जरिए में जो मेराज की जो दिक्कत है वो इंशाल्लाह जो है आपके सामने आगे बयान की जाएगी। ये वाक़या है, एक तसलसल है, देखिए पूरा। अब जब मैं आगाज़ कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह जो है आखिर तक पढ़ता ही चला जाऊँगा, तो आपको सुनना है। एक तसलसल है पूरा वाक़या का, मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, काबतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक, फिर वहाँ से जो है आसमानों का सफ़र और दीदार इलाही से मुशर्रफ होना और वापस आना। तो एक के बाद एक तसलसल है, आप इसके जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिए। ईमान अफरोज वाक़या हमारे वास्ते रिवायत में आया है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 बरस और 3 महीने तक पहुंची, तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और शब मेराज में 4वीं मरतबा हज़रत का सीने मुबारक चाक या ताकि दिल मुबारक में क़ुव्वत आ जाए, वास्ते सैर करने आलम मलकूत और देखने तजलियात इलाही। 4वीं मरतबा आपका जो है सीना चाक किया गया, इससे पहले भी 3 मरतबा आपका सीना चाक किया गया। और 27वीं तारीख रजब में दरगाहे इलाही से, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरगाह से जिब्राइल को हुक्म हुआ कि रिजवान को कहो, यानी दारोगा जन्नत, जन्नत के सरदारों के, जन्नत के फरिश्तों के सरदार रिजवान को कहो कि बहिश्त यानी जन्नत की आराइश करे, उसको सजाए, और हूरों और गुलमानों को कहो कि अपने तय जीब और जीनत से आरास्ता करे, अपने आप को सजाए, और मलाइका से कहो कि जो खबरों में अजाब करने वाले हैं आज की शब अजाब खबर से हाथ उठाए, और मालिक को कहो, ये दोज़ख के फरिश्ते का नाम है, और मालिक को कहो कि दोज़ख की आग बुझा दे। बस जिब्राइल ने हुक्म परवरदिगार का रिजवान और गुलामों और हूरों और मलाइके अजाब को और मालिक को पहुंचाए। तो देखिए तैयारी, अपने माशूक को बुलाने की ये तैयारी हो रही है। तमाम आसमान जो है सजाया जा रहा है, वही जो पहले से सजी हुई है उसको तो और सजाया जा रहा है।
हूर और मलाइक जो पहले से सजे सजे हैं और जो संवरे हुए हैं उनको और संवरने का जो है हुक्म हो रहा है, दोजख की जो है आग जो है बुझाने का अज़ाब मौकूफ करने का जो है हुक्म हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दरमियाने हतीम के सो रहा था कि जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम ने आके मुझको उठाया और सीने से नाप तक चीर कर दिल मेरा निकाला और एक सोने के तश्त में आबे जमजम से उसको धो के ईमान और हिकमत से भरा, फिर उसको उसी मुकाम पर रख दिया। और रिवायत है, एक दूसरी रिवायत है कि जिब्राइल को जनाबे बारी से हुक्म हुआ कि ऐ जिब्राइल, मुर्गजारे बहेश से बुरा और 70,000 फरिश्ते लेके मक्के में जाओ और मेरे हबीब कुरैशी को मेरी दरगाह आली में पहुंचाओ। जिब्राइल व मुअज्जिब इरशाद जनाब बारी के बुराक और 70,000 फरिश्ते लेकर हजरत उम्मे हानी के घर में जो खाहर यानी बहन हजरत अली करमुल्लाह वजह की थी पहुंचे। रसूल खुदा फरमाते हैं कि उस शब को उम्मे हानी के घर में बाद नमाज ईशा के सो रहा था कि जिब्राइल ने आके मुझको नींद से उठाया। मैंने देखा कि जिब्राइल और मीकाइल दोनों मेरे सराहाने बैठे हैं और मुझको नींद से जगाया, कहा कि ऐ हबीब मकबूल उठो, आज की शब आपकी मेराज है। तब मैं उठा तो आबे जमजम के कुएं के पास ले जाकर मुझको आबे जमजम से वजू करवाया और दो रकात नमाज पढ़वाकर मस्जिद के दरवाजे पर लाए तो वहां एक बुराक खड़ा हुआ मैंने देखा, ऐसा कि गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा, और मुंह उसका मानिंद आदमी के था और चोतरा उसका मानिंद घोड़े के और पांव उसके मानिंद शतर के और सीना उसका मानिंद शेर के और दोनों पर उसके मानिंद परिंदों के और जमीन और लगाम उसकी याकूत और मरवारीद से मुरस्सा जड़ाव थी। याकूत मरवारीद वगैरह अल्फाज आपको मेरे बीच में आते रहेंगे, ज्वेलरी है अल्लाह ताला के पास की अलग अलग जवाहरात के नाम में, उसे जो है सजे हुए थे। बस ये जो है सिर्फ बुराक की कैफियत है जो सवारी आई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की। बस सवार होने में मैंने जरा तामुल किया, थोड़ी देर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे वहां पे जो है आप सवार होंगे थोड़ी सी अपनी देर की। उसी वक्त अब देखिए अल्लाह ताला की जो बेचैनी है वहां पे, उसी वक्त हुक्म इलाही पहुंचा कि जिब्राइल मेरे हबीब से पूछो तवक्कुफ करने का क्या सबब है, देरी की क्या वजह है। लम्हा भर आपने जो है रुके इंतजार किया तो हुक्म इलाही आया कि जिब्राइल मेरे हबीब से पूछो ये तवक्कुफ करने का क्या सबब है। तब रसूल खुदा ने फरमाया, बाहर निकलेंगे और 50,000 बरस की राह क़यामत के आगे रखी है और 30,000 बरस की राह पुल सिरात की दोज़ख पर खींचनी है, क्यों कर तय करके मंजिल मकसूद पहुंचेंगे। जनाबे बारी से हुक्म आया कि हबीब मेरे कुछ गम न कीजिए, जिस तरह आज मैंने तुम्हारे लिए बुराक भेजा है इसी तरह तुम्हारी उम्मत के वास्ते हर एक खबर पर बुराक भेजूंगा, सबको बुराक पर सवार करके पुल सिरात से पार तार उतारूंगा और 30,000 बरस की राह एक पल में तय करवा के पहुंचा दूंगा। जब ये हुक्म हुआ तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ बुराक पर सवार हो गए। और बुराक अब देखिए बुराक एक एक अलग अलग नजारे हर एक से जो है अलग अलग जो है डायमेंशन से देखना है। उस तरफ बुराक जो है रसूल जब सवार होने लगे तो कूदने लगा, क्योंकि जो है रसूल को अभी बिठाया नहीं, उसने जो है हरकत की जो एक बेदबी की तरह दिख रहा है बज़ाहिर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवार होने लगे तो बुराक कूदने भागने लगा। जिब्राइल ने बुराक को कहा कि बुराक तू नहीं जानता है कि ये पैगंबर आखिर जमा है। बुराक ने कहा सच है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी इल्तिमास है बशर्ते कि कबूल फरमाया बयान कर। तब बुराक ने अर्ज की कि हक ताला ने बहुत बुराक और भी मेरे सिवा पैदा किए हैं और वो सब दागे मोहम्मद ही रखते हैं, इन्हें हर कोई जो है रसूलों के मुंह से पैदा हुआ है। अर्ज मेरी ये है कि क़यामत के दिन भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पुश पर सवार हुए ताकि सब बुराकों पर मुझको फख्र हुए। जब अल्लाह ताला ने आज ये इम्तियाज ये फजल मुझ पर किया है तो मेरी ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला जो है ये इम्तियाज मुझे जो है बख्शे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया तब बुराक ने फख्र से अपनी पीठ रसूल खुदा के सामने हाजिर की। तब हज़रत बुराक पर सवार हुए और दाएँ और बाएँ जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम
मैं 70,000 फरिश्ते रिकाब पे हाजिर थे मक्के मुअज्जमा और आबे जमजम और मुकाम इब्राहिम के पास जाके एक लहजे में बैतुल मुकद्दस में पहुंचे। फरमाते हैं कि असनाए राह में जो रास्ता जो गुजर रहे थे, असनाए राह में रास्ते में एक आवाज दाहिनी और बाईं तरफ से सुनी, कह मोहम्मद खड़े हो, तुमसे कुछ सवाल करूंगा। मैंने फरमाते मैंने उस आवाज का कुछ ख्याल ना किया, वहां से आगे बढ़ा, फिर देखा एक बुढ़िया को, एक बुढ़िया को अपने तय जेवरात और लिबास से आराधना करके खूबसूरत बन के सामने मेरे आ खड़ी हुई और कहने लगी, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखो। सो मैंने नहीं देखा और आगे बढ़ा और जिब्राइल से मैंने पूछा कि वो आवाज दाहिनी और बाईं तरफ से कैसी आई थी और बुढ़िया सिंगार करे कौन खड़ी थी। जिब्राइल ने कहा कि आवाज दाहिनी तरफ यहूदियों की थी, अगर आप जवाब देते तो उम्मत आपकी यहूद हो जाती, और बाईं तरफ की आवाज नसरानियों की थी यानी ईसाइयों की थी, अगर आप जवाब देते तो सब उम्मत आपकी नसरानी हो जाती, और वो बुढ़िया सिंगार वाली दुनिया थी, अगर आप उसकी तरफ देखते तो सब उम्मत आपकी गलबे दुनिया में हलाक हो जाती। बाद उसके तीन प्याले, एक शहद और दूसरा शराब और तीसरा दूध से भरा हुआ था मेरे सामने लाए, मैं दूध सब पी गया। जिब्राइल ने कहा, खूब किया आपने जो दूध पिया, क्योंकि इस दूध से मुराद दीन इस्लाम है। और वहां से जब दूसरे मुकाम में आ गए तो जिब्राइल ने कहा, इस जगह आप दो रकात नमाज पढ़िए। ये सफर है बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस का, दो रकात नमाज पढ़िए। मुकाम आया जहाँ पे रोका गया और कहा गया कि इस मुकाम पर आप दो रकात नमाज पढ़िए, क्योंकि ये जगह तूरे सीना है, इस जगह आप ताला ने मूसा से बातें की थी। तब मैंने उतर कर वहाँ दुराना नमाज पढ़ ली, फिर वहाँ से बराक पर सवार होकर आगे चला तो एक जगह नजर आई, फिर इब्राहिम ने कहा कि यहाँ फिर दो रकात नमाज पढ़िए, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस जगह में पैदा हुए हैं। फिर वहाँ से बैतुल मुकद्दस में गया और तमाम ही मलाइका ने आसमान से नीचे उतर कर अस्सलाम अलैकुम या नबीउल अव्वल वल आखिर कहा, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सुभानल्लज़ी असरा बियदिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकनाहु लहू, बहुत पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, कि वो तो बरकत दी हमने गिर्द उसके। और बाद उसके जब मस्जिद अक्सा के अंदर गए, मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के अंदर गए, तमाम अंबिया वहां आकर जमा हुए और कहा, अस्सलाम अलैकुम या नबीउल अव्वल वल आखिर, फिर तमाम नबियों के साथ दो रकात नमाज पढ़ी और उनकी इमामत की और सब अंबिया मुख्तदी हुए। कहते हैं कि मक्के मुअज्जमा से बैतुल मुकद्दस 3 महीने की राह है, उस वक्त 3 महीने में जो है पहुंचे थे मक्के से बैतुल मुकद्दस तक। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कदम में पहुंचे और ये बुराक की खासियत ये थी कि इसकी जो रफ्तार थी वो नजर की रफ्तार, जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक उसका जो है कदम जाए, उसने जो है 2 कदम पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैतुल मुकद्दस पहुंचा। और जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले, पत्थर सामने बैतुल मुकद्दस के था, एक पत्थर था बैतुल मुकद्दस के सामने, उस पर हजरत का खत
और जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले, पत्थर सामने बैतुल मुकद्दस के था, एक पत्थर था बैतुल मुकद्दस के सामने, उस पर हजरत का खत्म मुबारक पढ़ा। उस पत्थर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मुझको इस जगह 70,000 बरस हुए। देखिए ये हर एक चीज जो है बात कर रही है, अल्लाह ताला खुद कहता है कि उसकी जमीन और आसमान की तमाम चीजें जो तस्बीह कर रही हैं। हमारे वास्ते कोई जान है कोई बेजान है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, इंसान ने जो है खराड़ दिया है, लेकिन अल्लाह के पास जो है हर चीज जो उसी के नूर से, तो हर शय जो है बात कर रही है और हर शय जो है महसूस कर रही है और हर शय की मेराज हो रही है। तो उस पत्थर ने जो ही खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर पर पड़ा, तो उसने ये महसूस किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ है। तो उसने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह मुझको इस जगह 70,000 बरस हुए, अल्लाह ताला ने जो उस मुकाम पर रखा है 70,000 बरस हुए, किसी का कदम मुझ पर इस तरह किसी का कदम मुझ पर ना पड़ा, लेकिन इस वक्त आपका कदम मुबारक पड़ा, मैं चाहता हूँ कि बारे दुआ किसी का कदम मुझ पर ना पड़े, आप दुआ कीजिए कि मैं हवा पर मुअल्लक रहूँ क़यामत। ये पत्थर की ख्वाहिश है और अल्लाह ताला ने खास तौर पर उसको उसी वजह से शायद पैदा किया, 70,000 साल से जो है वो वहीं पे पड़ा है और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी का कदम उस पे नहीं पड़ा। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम पड़ा है, तो उसकी ख्वाहिश है कि बारे दीगर किसी का कदम ना पड़े। या रसूल आप उसे देखिए, अब्दुल आबाद की ख्वाहिश नहीं है, जिंदगी की ख्वाहिश है, कहता है कि दूसरी मरतबा जो है किसी का कदम ना पड़े, आप दुआ कीजिए कि मैं हवा में मुअल्लक हो जाऊँ, हवा में मुअल्लक हो जाऊँ क़यामत तक। तब हजरत ने जनाबे बारी में दुआ की, वो दुआ मुस्तजाब हुई, अब तक वो पत्थर हवा पर मुअल्लक है। उस जगह फिर वहां से अजायब व गरायब देखते हुए बुराक पर सवार होकर अव्वल आसमान के दर जा पहुंचे, अव्वल आसमान के दर पर यानी दरवाजे पर पहुंचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब देखिए अल्लाह ताला का जो है पूरा निज़ाम, हर आसमान पे जो है दरवाजे लगे हुए हैं और उसके जो है दारोगे हैं, वहां पे मलाइक है, मलाइक का जो एक सरदार होता है, बगैर इजाजत के कोई अंदर नहीं आ सकता, बगैर इजाजत कोई बाहर नहीं आ सकता, ये पूरा बहुत ऑर्गेनाइज काम है अल्लाह ने जितना भी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो जिब्राइल अमीन जो है जब यहाँ पे पहुंचे तो पहले दरवाजे पर दस्तक दी, परिंदों ने पूछा तुम कौन हो, बोले मैं जिब्राइल हूँ और ये मोहम्मद पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फरिश्तों ने कहा मरहबा या रसूलल्लाह और दरवाजा खोला और दरमियान आसमान की दाखिल, पहले आसमान की दाखिल और इस्माइल फरिश्ते के नाम है, वहां के फरिश्तों के सरदार थे, सब मलाइका को लेके हमसे आके मुआलिका किया, गले मिले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर वहां से आगे बढ़े आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बागे रिजवान से मेरे इस्तकबाल को आए और कहा कि मरहबा या नबी साले, फिर वहां से आगे बढ़े देखा, अब अजायब और गायब देख रहे हैं, कई देखे होंगे जो रिवायतों में आगे हैं, बचे कुछ जो जो रिवायतों में आए हैं वो जो है इस किताब में जमा किए गए हैं, तो चंद रिवायतों में से रिवायतें इसके अंदर है कि रसूल ने वहाँ पे एक अजीब चीज़ देखी। पहले आसमान का वाक्य है कि देखा कि एक मुर्ग सफेद अजीम शान, एक मुर्गा है सफेद अजीम शान, जिसम उसका सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, एक पाँव उसका अर्श तक और दूसरा पाँव तहत सरा तक है और एक बाजू उसका मशरिक में और दूसरा मगरिब में और सर उसका याकूत से बना और पर उसके नूर से और गिजा उसकी हमदो सना है। जिब्राइल से मैंने पूछा कि ये कौन मुर्ग है, कहा ये मुर्ग नहीं एक फरिश्ता बसूरत मुर्ग थे, जब रात होती है तब उस वक्त ये अपने परों को झाड़ता है और तस्बीह इसकी सुभान अल मलिक अल कुद्दूस अल कबीर अल मुताली ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क्यूम है और इसकी तस्बीह की आवाज से दुनिया के मुर्ग बेदार होते हैं, अपनी अपने परों को झाड़ते हैं और आवाज देते हैं। फिर वहां से आगे देखा एक फरिश्ता, आधा जिस्म उसका आग से और आधा बर्फ का है, ना आग बर्फ को जलाए ना बर्फ आग को बुझाए, और वो तस्बीह पढ़ता है और दाएं और बाएं उसके बहुत फरिश्ते खड़े हैं। मैंने पूछा जिब्राइल से कि ये कौन फरिश्ता है, वो बोले ये मुहतर रात है, ये दुनिया में पानी और बर्फ बरसाता है, यही काम इसका है। फिर वहां से गुजरकर लबे दरिया गए। अब देखिए ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे हैं, पूरा शरीयत का तकाजा है, एक चीज आप पूछते जा रहे हैं, हालांकि ये पूरी जो है आपकी की जो है नूर से बनी हुई तमाम कायनात है, हर एक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ है, इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे सुनेंगे अल्लाह ताला को। अब फिर वहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आगे बढ़े, लबे दरिया गया और वहां से आगे बढ़कर देखा। अब देखिए यहाँ पे कुछ अजाब भी देखे रसूल ने, खास यहाँ से खास ध्यान लगा के आप लोग सुनिए, देखा कि लोग
कुछ ज़राअत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी वक्त बोते हैं और उसी वक्त ज़राअत तैयार होती है और उसी वक्त काटते हैं और एक दाने के बदले 700 दाने उठाते हैं। फिर जिब्राइल से मैंने पूछा, कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने कोशिश और मेहनत खुदा की और लोगों की खिदमत महज खुदा के वास्ते करते थे, हाजत मोहताजों की भर लाते हैं, दिल और जुबान से, हाथ और माल से इन लोगों की मदद करते थे, इस वास्ते खुदा तआला ने उनकी रोजी में बरकत दी है। बाद इसके चंद फरिश्ते आदमियों का सर पत्थर से कूटते हैं, फिर वो दुरुस्त हो जाता है, इंतजाम हो रहा है, फिर कूटते हैं, दम बदम इसी तरह होता है। मैंने पूछा जिब्राइल से ये कौन लोग हैं, कहा कि वे तारीके जमा, जमात से नमाज नहीं पढ़ते, तारीके जमात और पंजगाना नमाज अदा ना, पंजगाना नमाज अदा करने में सुस्ती करते थे। इन नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जमात तरक करते थे और पढ़ने में सुस्ती करते थे, तो उनका अजाब हो रहा है कि जो है सर को कूटा जा रहा है और दोस्त हो रहा है और कूटा जा रहा है और नमाज वक्त पर अदा नहीं करते थे। बात उसके एक ग्रोह देखा कि फरिश्ते सब मानिंदे चार पायों के जानवरों की तरह उनको हाँकते हुए दोजख के अंदर ले जाते हैं, न्याय पिशंगी प्यास और गुरसुंगी यानी भूख में कांटे जरी के और सींच के उनको खिलाते हैं। कहा गया कि जरी और सींच जो एक बदबूदार घास होती है, खिलाते हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है, कहा जिब्राइल ने कि ये वो लोग हैं कि इन सबों ने जकात माल और सदक़े फितर और कुर्बानी अदा नहीं की थी और हकदार फकीर मोहताजों को नहीं दिया था और उन पर रहम नहीं किया था। फिर आगे बढ़कर देखा कि मर्द और औरतें हैं कि उनके आगे तरह तरह की नियमतें रखी हुई हैं और दूसरी तरफ एक तरफ नियमतें रखी हुई हैं और दूसरी तरफ गोश्त मुर्दार नजिस है और वो नियमतें सब छोड़कर गोश्त मुर्दार नजिस खाते हैं और नियमतें पाकिजा की तरफ नहीं देखते। मैंने उन्हें देख कर मुतय्यर हुआ, मैंने हैरत महसूस की, जिब्राइल से पूछा कि ये सब जोरू और कसम है, मर्द अपनी जोरू को छोड़कर और जोरू अपने शोहर को छोड़कर हरामकारी और बिहाई का काम करते थे और कसम हलाल नहीं खाते थे, चोरी व दगाबाजी और फरेब से खाते थे। और एक ग्रोह को देखा कि उनको आग की सूली पर चढ़ाया है, वो सब चिल्ला रहे हैं। जिब्राइल से पूछा, बोले कि यह हाल उन सबों का है कि बरसरे बाजार और राह में बैठ कर लोगों पर हंसते थे और लिबास और शक्ल पर तान और तशनी करते थे और लोगों को हंसाने के वास्ते नाम खराब लेकर पुकारते थे। देखिए हम एक आसान मामूली बात समझते हैं, अल्लाह ताला के पास ये गुनाहों के कैसे कैसे अजाब है, और लोगों को हंसाने के वास्ते नाम खराब लेकर पुकारते थे। और एक ग्रोह को देखा कि उनकी गर्दन पर इस कदर बोझ रखा है कि गर्दन फिर नहीं सकती और उस पर बोझ ज्यादा किया जाता है। जिब्राइल ने कहा, इन लोगों ने अमानत में खयानत की थी और हक लोगों का उनकी गर्दन पर है। और एक ग्रोह को देखा कि उनको उन्हीं के बदन का गोश्त काट काट कर खिलाते हैं। जिब्राइल ने कहा, ये मुसलमान भाई की गीबत वो शिकवा और ऐब करने वालों का जो पीछे जो बात करते हैं दूसरे की। और एक ग्रोह को देखा कि आपकी मिखराज से यानी आपकी खैंची से होंठ और जुबान उनकी काटते हैं। कहा जिब्राइल ने कि ये सब बसबबे तमा दुनिया के यानी हिरस में दुनिया के बादशाहों और अमीरों और दौलतमंदों की खुशामत के वास्ते झूठी बातें क्या करते थे। अब ये गुस्से थे तुम लोगों की है और ये सब वायस थे यानी वास करने वाले, तकरीरें करने वाले, दूसरों को हक बात की नसीहत करते थे, खुद बदअमल करने के मुर्तकिब होते थे। फिर जन आदमियों को देखा कि मुंह उनके सियाह और चश्म उनकी नीली, चेहरे काले और नीली हो चुकी थी और नीचे का होंठ पांव पर और ऊपर का होंठ मुंह ऊपर का होंठ सर पर और लहू पीप और नजासत उनके मुंह से बहती है और गधों की तरह चिल्लाते हैं। जिब्राइल ने कहा कि ये हाल नशा पीने वालों का है। और एक ग्रोह को देखा कि जबान उनकी पीछे की तरफ खींची निकाली है और शक्ल उनकी मानिंद सुअर की है और आग के अजाब में गिरफ्तार है। जिब्राइल ने कहा कि हाल झूठी गवाही देने वालों का है। देखिए एक बात को आप याद रखिए, छोटी छोटी बातें मालूम होंगी लेकिन कैसे कैसे अजाब है, झूठी गवाही देने वालों का है। और एक ग्रोह को देखा कि पेट उनका फूला हुआ मानिंद गेंद के यानी बॉल के मानिंद फूला हुआ है और रंग उनका जर्द पीला और हाथ पांव में आतिशी यानी आग की जंजीरें
और गर्दन में तौके आतिशी यानी आतिश का आग का तौक है, और सांप और बिच्छू पेट के अंदर से नजर आते हैं। जब उठने का इरादा करते हैं पेट के बोझ से वजन से गिर पड़ते हैं और आतिश के अंदर जलते हैं, आग के अंदर जलते हैं। जिब्राइल ने कहा यह हाल सूद और रिश्वत खोर का है। और एक ग्रुप औरतों का देखा कि उनकी रूह सियाह, आंखें सियाह और चेहरा सियाह और आंखें नीली और आतिशी कपड़े पहने हुए, यानी आग के कपड़े पहने हुए। फरिश्ते उनको आग के गुर्जों से मारते हैं, कोनों से मारते हैं, और वो मानिंद कुत्तियों के चिल्लाती हैं। जिब्राइल ने कहा ये वो औरतें हैं कि जो अपने शौहर की नाफरमानी करती थी और अपने शौहर को नाखुश रखती थी और बेहुकुम अपने शौहर के इधर उधर फिरती थी और अल्लाह ताला और रसूल के हुक्म के मुताबिक काम नहीं करती थी। और एक ग्रोह को देखा कि उल्टे हवा में लटके हुए हैं और फरिश्ते बदशकल आग के गुर्जों से उसको मारते हैं। जिब्राइल ने कहा यह हाल मुनाफिकों का है। और एक फिरके को देखा कि आग के जंगल में कैद है और आग उनको सख्त जलाती है, तमाम बदन में उनके जख्म मानिंद जुजाम के हैं। जिब्राइल ने कहा कि इन सबों ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है और खाने पीने और रहने के मकान के वास्ते उनको तकलीफ दी और माँ बाप से बेअदबी करते थे, नाशाइस्ता गुफ्तगू करते थे और फिर वहाँ से आगे बढ़े। बल्कि एक मैदान बहुत बड़ा देखा कि उससे मुश्क अंबर की खुशबू और साथ उसकी एक आवाज़ आती, उसे आगे बढ़ी कि आजाब वगैरह देखी पहले आसमान की तरफ से, उसे आगे बढ़ी तो यहाँ से लगे जुड़े दूसरा मंजर शुरू हुआ। अच्छी आवाज़, एक अच्छी खुशबू वहाँ से आई और एक आवाज़ भी आई इस मजमून की, कि आवाज़ आ रही एक मैदान से कि या इलाही जो वादा तूने मुझसे किया है पूरा। जिब्राइल ने पूछा, जिब्राइल से मैंने पूछा ये बोए खुश और आवाज़ कहाँ से आती है। आगे बढ़ के एक मैदान बहुत बड़ा देखा कि उससे मुश्क और अंबर की खुशबू और साथ उसकी एक आवाज़ आती थी इस मजमून की कि या इलाही जो वादा तूने मुझसे किया है पूरा कर। जिब्राइल से मैंने पूछा कि ये बोए खुश यानी खुशबू और आवाज़ कहाँ से आती है। फरमाया कि ये खुशबू और आवाज़ बहिश्त की है यानी जन्नत की है। नेमतें और मेवे रंग बिरंग और मकान सोने चांदी और याकूत और मरवारीद वगैरह से अल्लाह ने तैयार करके रखे हैं। और उसकी आवाज़ के जवाब में हक़ ताला फरमाता है कि जो शख्स खुदा और रसूल पर ईमान लाएगा और कुरान और हदीस के मुआफ़िक चलेगा और शिर्क और बिदत से दूर रहेगा उस शख्स को तुझमें दाखिल करूंगा। और बहिश कहती है या इलाही मैं राजी। बाद उसके एक मैदान में घुसे, उसमें से बदबू और आवाज गिरिया यानी रोने की आई। जिब्राइल से पूछा, उन्होंने कहा ये बदबू दोज़ख़ की है और वो जंजीर आवाज तौक और सांप और बिच्छू वगैरह की है और दोज़ख़ फरियाद करती है कि या इलाही वादा मेरा पूरा कर। जनाबे बारी से हुक्म होता है कि जो कोई शख्स शिर्क और कुफ्र और बिदत करेगा और परस्तिश मेरी ना करेगा और मेरे रसूल की तकजीब करेगा यानी झुटलाएगा उसको तेरे हवाले करूंगा। दोज़ख़ कहती है या इलाही मैं राजी हूँ। फिर वहां से दूसरे आसमान के दरवाजे पर और दरवाजे पर दस्तक दी। मलाइका ने पूछा तुम कौन हो। कहा मैं जिब्राइल हूँ और ये मोहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला और ताज़ीम और तकरीम से मुझको ले गए और उन फरिश्तों का सरदार मंदर जी, इनका नाम ही जिब्राइल है, जिब्राइल अलैहि सलाम है, उसने अस्सलामु अलैकुम कहा और मुझसे आके मुआनिका किया और सब फरिश्तों ने अस्सलामु अलैकुम कहा और मुआनिका किया और कहा मरहबा या रसूलल्लाह, आपसे आसमान रोशन हुआ। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो याहिया पैगम्बर और ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आकर जो है ताज़ीम तमाम कहने लगे मरहबा या अखी वो नबी उस्साले। वहाँ से आगे बढ़े देखा तो एक फरिश्ता मुही शक्ल अजीब शक्ल है और उसके 70,000 सर हैं और हर सर में 70,000 मुंह हैं और हर मुंह में 70,000 जुबान है। ये देख के देखिए मैंने जिब्राइल से पूछा, कहा कि ये कौन है। कहा कि ये मोहतर खासिम है, फरिश्ते का मोहतर खासिम है कि उसके हाथ में तमाम मखलूकात की रोजी अल्लाह ने सुपर्द की, सब की जो है अल्लाह ताला ने रोजी उतारा हर रोज हर वक्त जिस कदर अल्लाह ताला ने अंदाजा किया है उसी कदर पहुंचाता है।
बता दीजिए क्या क्या आप बदलते हैं, पूरा इंतजाम देख लीजिए कैसा है, मुनज़्ज़म इंतजाम के हिसाब से देखिए। और फिर वहाँ से तीसरे आसमान के दरवाजे पर पहुँचे, वहाँ मोहतर माई जो सब फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने आकर अस्सलाम वालेकुम मरहबा या रसूलल्लाह कहकर मुआनका किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, ने आकर उनसे मुलाकात की और कहा मरहबा या नबी उस्साले। फिर वहाँ से चौथे आसमान पर गए, सरदार फरिश्तों के उस दरवाजे में मोहतर मोताई हैं, उन्होंने आके मुझसे मुआनका किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े और इदरीस अलैहिस्सलाम, ये भी पैगंबर हैं, अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उन्होंने कहा मरहबा या नबी उस्साले। फिर जब वहाँ से आगे बढ़े देखा कि एक फरिश्ता हैबतनाक और हर दो तरफ उनके फरिश्ते सब खड़े और चार मुंह उनके थे और दाहिना हाथ उनका मगरिब में और बायां हाथ उनका मशरिक में और आसमान और जमीन उनके दोनों पांव के तखने पर और सामने उनके लिए तख्ते अजीम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा ये कौन शख्स है, कहा या रसूलल्लाह ये मोहतर इजराइल मलकुल मौत। तब उनके सामने गया और कहा अस्सलाम वालेकुम या मलकुल मौत, जवाब सलाम का मेरी ना दिया। फरिश्तों पर एक अलग अलग हैबत आई होती है कि फरिश्ते एक बहुत अहम काम है, जवाब सलाम का मेरे ना दिया। उसी वक्त हुक्म इलाही आया, ए इजराइल जवाब सलाम का मेरे हबीब को दे और जो कुछ वो तुझसे पूछे जवाब उसका बखूबी दे। तब उस वक्त इजराइल ने सर उठा के कहा वालेकुम सलाम या हबीबुल्लाह और मुआनका किया और ताजीम और तकरीम से अपने पास बिठाया और कहा कि या रसूलल्लाह जब से मुझे अल्लाह ने पैदा किया है तब से बहुत काम खल्कुल्लाह के मुझ पर मुझे सुपर्द किए हैं, एक लहजे की फुर्सत मुझको नहीं मिलती कि किसी से बात करूं, आज मुझ पर हुक्म अल्लाह का हुआ इस वास्ते आपसे बात करता हूं। मैंने कहा ऐ इजराइल रूहों को किस तरह कब्ज करते हो, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने ये जो दरख्त है, एक दरख्त एक झाड़ के सामने ये जो दरख्त है उसके पत्तों के शुमार के मुआफिक खलायक है, उसके जितने पत्ते हैं उतनी पूरी मखलूकात है, उसके पत्तों के शुमार के मुआफिक तमाम खलायक हैं और हर एक खल्कुल्लाह का नाम, हर एक मखलूक का नाम उस पत्ते पर लिखा हुआ है। जब मौत करीब होती है 40 रोज आगे यानी 40 दिन मरने के पहले रंग उस पत्ते का जर्द हो जाता है, पीला हो जाता है और मौत के रोज वो पत्ता गिर जाता है और उसी पत्ते पर निगाह रखता फिर देखता निगाह रखता। अगर वो बंदा अहले रहमत में से है तो उनको मालूम जाता है कि अहले रहमत है या दूसरा। अगर वो बंदा जब पत्ते पर निगाह करते हैं और अगर वो बंदा अहले रहमत में से है तो दाहिनी तरफ के मलाइके रहमत को भेजता हूँ, अगर वो बंदा लानती में से है तो बाईं तरफ के मलाइके अज़ाब को भेजता हूँ। फिर मैंने पूछा कि इज़राइल हकीकत रूह की बयान करो वो क्या चीज़ है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता हूँ कि रूह क्या चीज़ है लेकिन वक्त कब्ज के एक बोझ सा मेरी हथेली पर मालूम होता है। फिर पूछा मैंने कि तुम्हारे चार मुंह होने की क्या वजह है, कहा या रसूलल्लाह सामने का मुंह जो नूर से है उससे मोमिनों की रूह कब्ज करता हूँ और दाईं तरफ का मुंह जो गुस्से से है कहा उससे जान गुनहगारों की कब्ज करता हूँ और बाईं तरफ का मुंह जो खैर से है उससे मुनाफिकों की रूह कब्ज करता हूँ और पीछे का मुंह जो दोजख की आग से है उससे जान मुशरिकों की और काफिरों की लेता हूँ। और फिर कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खुशखबरी देता हूँ कि जिस दिन से अल्लाह ने मुझको पैदा किया है उस दिन से फरमान हक का मुझ पर यूं हुआ है कि जाने उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानी से निकालो जैसे लड़का सोता हुआ दूध माँ की पोस्तान से खींच कर पीता है और माँ को कुछ जरर नहीं पहुँचता। ये सुनकर सजदे शुक्र बजा लाया। फिर पूछा इजराइल कभी तुमको इस कुर्सी से उठने की नौबत पहुंची है या नहीं, यानी जो है वो खुद उठ के जो है जाके वो कब्ज नहीं करते, सीधी तरफ और बाईं तरफ की जो है फरिश्तों को भेजते हैं। रसूलल्लाह ने पूछा कि कभी तुम्हें जो है इस कुर्सी से उठने की नौबत पहुंची है या नहीं, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मरतबा उठने की नौबत पहुंची है। पहली मरतबा हजरत आदम अलैहि सलाम का जिस्म बनाने के लिए मिट्टी लाने के रास्ते आ भी गए थे, दूसरे फरिश्ते जा रहे थे जमीन फरियाद करते थे और वापस आए थे, तरस आता था वापस आए थे, जमीन अल्लाह का वास्ता नहीं थी। तो ये सख्त मिजाज अल्लाह ने जो है सख्त मिजाज बनाया था, उन्होंने जो है जमीन से जो है खींच कर जमीन की बात नहीं सुनी और तरस नहीं आया बल्कि हुक्म खुदा बजा लाया। तो पहली मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाने के लिए मिट्टी लाने को
और दूसरी मरतबा हजरत आदम की रूह कब्ज करने थे और तीसरी मरतबा मूसा की रूह कब्ज करने थे। मूसा इस्लाम एक वायद पैगम्बर है, तालों से रिवायत में आया है, अहादीस रसूल हसन की है कि जब मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने को आए तो आपने जो है मुँह का मारता हूँ, आपने जो है उनको तमाचा रसीद किया। रसूल फरमाते हैं कि जो है मूसा से पहले जितने भी मलकुल मौत थे वो आते थे और आसानी के साथ रूह कब्ज करते थे, उसके बाद जो है एहतियात के साथ आने लगे। तो इनके वास्ते जो है मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते जो है खुद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है उनके आपकी रूह कब्ज करने को आए हैं। फिर पूछा मैंने इज़राइल से कि रूह कब्ज करते वक्त तूने कभी किसी पर रहम किया है या नहीं, सख्त है, कभी किसी पर रहम आया या नहीं। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शख्स के वास्ते मैंने बहुत गम किया, दो शख्स के वास्ते है मुझे तरस आया, गम आया, कहा बहुत गम खाया था। पहले एक औरत के वास्ते, एक औरत के वास्ते कि वो दरिया पर कश्ती पर बच्चा जली थी, बाद उसकी जान कब्ज करने का हुक्म था। एक दरिया में एक कश्ती में सिर्फ एक ही औरत सवार, वो खुद अकेली जा रही थी और उसने बच्चा जना था, कब्ज करने का हुक्म आया। अब ये हिकमत नहीं जानते थे, वो बच्चा नमरूद था, आगे जाके बादशाह होने वाला था, अल्लाह ताला कि उसके अंदर जो है आगे बहुत बड़ी हिकमत है, अल्लाह ने उसे जो है बहुत अच्छे तरीके से पाला, माँ नहीं पा सकते जैसा अल्लाह ताला ने पाला। बहरहाल उस नमरूद की माँ का वाकया है ये कि जो है औरत के वास्ते वो दरिया पर कश्ती पर बच्चा दली थी, बाद उसके उसकी जान कब्ज करने का हुक्म हुआ। और दूसरी मरतबा शद्दाद मलून की जान कब्ज करने पर कि जब उसने 400 बरस की मुद्दत में बागे इरम बनाया, शद्दाद मलून एक बादशाह गुजरा है जो खुद खुदा होने का जो है माजल्ला दावा करता था, और उसने खुद जब उस वक्त की सहीफों में पैगंबरों की किताबों में जब जो है जन्नत के बारे में सुना तो उसने कहा कि जो है मैं खुद यहाँ पे जो है जन्नत में याद करूँगा और जो मुझे मानेगा उसे जो है जन्नत में दाखिल करूँगा। तो तमाम जमीन से हीरे जवाहरात वहाँ के जो है तरह तरह के जो है उसने महल वगैरह जो है आरास्ता किए, और ये कोई मामूली जन्नत नहीं बनी थी, ये बेहतरीन जन्नत बनाई गई थी जिसे जो है बागे इरम कहते हैं। तो 400 साल की मुद्दत में जो है ये जन्नत बनाई गई, 400 साल तक शद्दाद उसके अंदर गया नहीं, 400 साल के बाद जब जन्नत तैयार हुई उसकी, बागे इरम जब तैयार हुआ वो देखने के वास्ते गया था, तो कहते हैं कि दूसरी मरतबा शद्दाद मलून की जान कब्ज करने पर कि जब उसने 400 बरस की मुद्दत में बागे इरम बनाया और उसके देखने के वास्ते एक पांव उसका चौखट के अंदर और दूसरा पांव चौखट के बाहर था, उसको जान उसकी कब्ज हुई, बस शद्दाद बादशाह 20 लाख फौज के साथ वहीं हला। तो रहता है कि खुदा देख लिया, अलग अलग छोड़ता 400 साल तक छोड़ा, उसको देखने का मौका नहीं दिया, एक पैर उसका जो है उसकी जन्नत की जो है अंदर था और एक पैर बाहर था, जान कब्ज हुई। उन्होंने ये चार चली और हमने चार चली, अल्लाह ताला कुरान में कई दफा फरमाता है, तो उन्होंने जो है अपने अपने हिसाब से जीत देता है, फिर वो अपना दाव चला, पहले इंसान दाव चलाता है फिर उसका दाव जो है बहुत खतरनाक होता है, इंसान की अकल की कैद से आगे होता है। बहरहाल उस वक्त जो है 20 लाख फौज के साथ वो वहीं हलाक हुआ और अपनी बनाई हुई वही जन्नत को देखने ना पाया। फिर वहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान के दरवाजे पर गए, उस दरवाजे पर मोहतरम माईल सब मलाइका के सरदार हैं, उन्होंने आके मरहबा कह के मुझसे मुआनखा किया। फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा, हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने आके मरहबा कह के मुझसे उन्होंने कहा याकूब साले। फिर वहाँ से 6ठे आसमान के दरवाजे पर तशरीफ ले गए, वहाँ मोहतर हाई जो सब फरिश्तों के सरदार थे उन्होंने भी आके मरहबा या रसूलल्लाह कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुआनखा किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और कहा मरहबा या नबी साले। फिर हजरत मूसा ने कहा या रसूलल्लाह जो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी उम्मत पर फर्ज किया जाए, इन्हें अल्लाह ताला से आप मिलने जा रहे हैं, जो अहकामात वहाँ से मिलेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी उम्मतों पर फर्ज किया जाए आप समझ के कबूल कीजिएगा, इस वास्ते कि आपकी उम्मतियों की उम्र थोड़ी है और बहुत ज़ईफ़ और नाकमा यानी कमज़ोर है। तो उन्होंने जो है एक नसीहत की कि जो है आप जो भी वहाँ से आपको हुक्म दिया जाएगा आप बहुत सोच समझ के लोगों से कबूल करें। फिर आ हजरत वहाँ से आगे बढ़े, एक फरिश्ता हैबतनाक देखा कि जिसके देखने से अकल और होश गुम हो जाए और ऐसा कि उसके दाहिने मुंडे से बाएं मुंडे तक कई बरस की राह है और बहुत फरिश्ते बदसूरत बुरी सूरत गिरदागिर उसके हाजिर है। हजरत ने पूछा या अखी जिब्राइल, ऐ मेरे भाई जिब्राइल, ये कौन फरिश्ता है? कहा या रसूलल्लाह इसका नाम मालिक है, यानी दारुगे, ये 19 फरिश्तों का सरदार है
और दोजख का दारोगा है, जिस तरह हुक्म इलाही होता है उसी तरह भला। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और सलाम अलैकुम कहा, जवाब सलाम का उसने ना दिया। ये पता नहीं हुई है कि इस फरिश्ते के ऊपर उस जलाल इलाही जो है गिरफ्तार है महू है, उसने ये जवाब ना दिया। हुक्म इलाही पहुंचा फौरन, देखिए पूरा नज़ारा जो है अल्लाह ताला अपने हबीब को बता रहा है। जैसे जवाब नहीं आया, हुक्म इलाही पहुंचा कि ए मालिक, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब है, उनको जवाब सलाम का ना दिया और ताज़ीम क्यों ना की। तब मालिक हज़रत का नाम सुनकर उठा और ताज़ीम और तकरीम से बिठलाया और कहा, मरहबा या रसूल्ला, हक ताला ने तमाम अंबियाओं पर आपको अफजल किया है और तमाम पैगम्बरों की उम्मत आपकी उम्मत की पैरवी करेगी। फिर हज़रत ने पूछा, ए मालिक, माहियत दोज़ख की बयान करके खबरदार रहूं। कहा, या रसूल्ला, आपको देखने और सुनने की ताकत न होगी। दरगाह इलाही से हुक्म आया, कह मालिक, जो कुछ मेरा हबीब पूछे उसको तू अच्छी तरह बयान कर। तो मालिक ने कहा, या रसूल्ला, 7 दोज़ख अल्लाह ताला ने अपने गजब से पैदा किए, और तौल व अर्ज, लेंथ और उसकी ब्रेड, हर एक का मानिंदे जमीन और आसमान की, और उसमें आतिश यानी आग गुना गुना अल्लाह ताला ने पैदा की है, और दरमियान दोजख के 70,000 मैदान आपके, दोजख है उसके अंदर जो है 70,000 आपके मैदान है, और हर एक मैदान के बीच में 70,000 पहाड़ आपके हैं, और हर पहाड़ के 70,000 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे में 70,000 मकान आपके हैं, और हर एक मकान में 70,000 कोठरियां आपकी हैं, और हर एक कोठरी में 70,000 संदूक आपके हैं, और एक हर एक संदूक में 70,000 सांप और बिच्छू आपके हैं, और वो आग है कि एक जर्रा उससे रुए जमीन पर पहुंचे तो तमाम आदमी और पहाड़ और दरख्त वगैरह को भस्म कर डाले। कहा, या रसूल्ला, जैसे मकानात और मैदान और पहाड़ वगैरह मैंने जिक्र किए, वैसे ही हर एक दोज़ख के अंदर, और एक दोज़ख बर्फ से पैदा किए, एक दोज़ख अल्लाह ताला ने जो है बर्फ से ही पैदा किए, ये नारी मखलूक के वास्ते, वो मखलूक जो आग से बनी हुई है उनके वास्ते अल्लाह ताला ने एक दोज़ख बर्फ की पैदा की। या रसूल्ला, अब मालिक कहता है, या रसूल्ला, हर साल एक आग, चूंकि जो है एक दोज़ख बर्फ की भी है, या रसूल्ला, हर साल 2 मरतबा दोज़ख अपनी सांस छोड़ती है, इस वास्ते 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी दुनिया में, और इसी तरह गुनागू अजाब जिल्लत का बयान किया। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के बहुत गमगीन होके 7वें आसमान के दरवाजे पर गए, देखा वहाँ बहुत फरिश्ते इबादत में मशगूल हैं, ये मुशाहिदा करके बहुत खुश हुए और वहाँ से आगे बढ़े, हज़रत इब्राहिम खलीलल्लाह अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, मरहबा या नबी उस्साले, और वहाँ से जब आगे बढ़े देखा एक फरिश्ता नेक सूरत खुशखुल अजीम शान कुर्सी पर बैठा है और हर चार तरफ उसके नूर चमकता है, और चुप और रास्त यानी सीधे और बाएं उसके बहुत फरिश्ते नेक सूरत जमा है। जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फरिश्ते का नाम रिजवान है और ये दारोगा बहिष्ट का है। तब हजरत सामने उसे तशरीफ ले गए और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रिजवान जन्ना, उसे जल्द जवाब सलाम का कहकर मुआनफा किया और कहा, मरहबा या हबीबुल्लाह, इतने में अमरे इलाही हुआ, इन्हल्लाह का हुक्म आया कि रिजवान, मेरे हबीब को मालिक ने यानी दारोगा दोज़ख ने दोज़ख की बातें सुना के गमगीन किया है, तुमको बहिष्ट की यानी जन्नत की बातें सुना के खुश कर। तब रिजवान ने कहा, या रसूल्लाह, सिफत और सना आपकी हक़ ताला ने कुरान मजीद में फरमाई है और उम्मत आपकी और पैगम्बरों की उम्मत के पहले बहिष्ट में जन्नत में दाखिल होगी। ये कहकर हजरत का दस्ते मुबारक पकड़कर हाथ पकड़कर जन्नतुल फिरदौस में वास्ते सैर कराने बाबू के ले गए। तब हजरत इकसाम तरह तरह की नियमतों से आगाह हुई। तब एक आवाज गैब से आई, ए हबीब, मेरे तेरी उम्मतों के वास्ते यही सब नियमतें बहिश्त की हमने तैयार कर रखी हैं। उम्मत तेरी अब्दुल आबाद बहिश्त में खुश व महफूज व मुअज्जिज व मुकर्रम रहेगी। तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र खाजी लहाजात का मजा ला के आगे बढ़े और बैतुल मामूर में पहुंचे, फरिश्तों का मुकाम, और अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को याकूत और मोती और सब जुमरद से बनाया है, इसमें 13 सुतून याकूत सुर्ख के हैं और सहन इसका मोती का,
और जगह दो रकात हजरत ने फरिश्तों के साथ पढ़ी। इतने में तीन प्याले भरे हुए शराब और शहद और दूध के अब्तला ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए, और रिवायत में आया कि चौथा प्याला पानी का भी था। तब हजरत सल्लल्लाहु जब जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें से जो आपकी ख्वाहिश है सुपुर्द कीजिए, यानी चार प्यालों में से दूध शराब शहद और पानी में से आपको एक कबूल कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला दूध का पिया। तब सब फरिश्तों ने आफरीन की और कहने लगे, या हबीबुल्लाह, अगर आप प्याला पानी का इख्तियार करते तो सब उम्मत आपकी पानी में गर्क होती, अगर शराब का प्याला इख्तियार फरमाते तो सब उम्मत आपकी नशे में मशगूल होती, अगर प्याला शहद का इख्तियार करते तो सब उम्मत आपकी दुनिया की लज्जत में मुस्तगा होती, लेकिन आपने प्याला दूध का इख्तियार फरमाया, आपकी उम्मत आफत व बला से दुनिया की नजात पाएगी, लेकिन थोड़ा सा दूध जो आपने प्याले में छोड़ा है इस सबब से थोड़ा सा गुनाह आपकी उम्मत में बढ़ गया। तब हजरत ने चाहा कि जो दूध बाकी रहा उसको फौरन पी जाए, पी जाओ। जिब्राइल ने अर्ज किया कि अगर आप इस वक्त पियेंगे तो कुछ मुफीद ना होगा, अब जो कुछ हुआ सो हुक्मे इलाही रद्द नहीं हो सकता। बस हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होकर सिद्रतुल मुंतहा को कि जिब्राइल अमीन के रहने की जगह है पहुंचे, पैगंबर खुदा बुराक से उतरे और जिब्राइल वहां से रुखसत। यहां तक जिब्राइल अमीन के रहे सादा बुराक, फिर रसूल ने यहां तक सवार किया। अब यहां से जो है सिद्रतुल मुंतहा का मुकाम है, यहां से बिल्कुल खास है। अब यहां तक जो है नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता है, अब यहां से बिला वास्ता किसे है, रसूल की अब विलायत का सफर है। यहां से उम्मत गुनहगार होगी यहां की, क्योंकि अब वो अगर सारा दूध पी लेते तो आपकी सारी उम्मत जो है मोमिनीन की जमात होती, यहाँ पे कोई गुनहगार ना होता, लेकिन जो वो मुकद्दर था अल्लाह ताला का दूध छूटना था तो छूट गया। रसूल चाहते थे कि जो है पूरा पी ले, बाद में मालूम होने के बाद पी ले, लेकिन जिब्राइल अमीन ने कहा कि जो हुआ वो अल्लाह ताला की मर्जी थी। सिद्रतुल मुंतहा के जो कि जिब्राइल के रहने की जगह है पहुंचे, पैगंबर खुदा बुराक से उतरे और जिब्राइल वहां से रुखसत हुए और कहा कि मेरा मुकाम यहां तक था, आप आगे तशरीफ ले जाइए और मुझको एक सर मुंह आगे जाने का हुक्म नहीं है, यानी बाल बराबर। खुदा बुराक से उतरे और जिब्राइल वहां से रुखसत हुए और कहा कि मेरा मुकाम यहां तक था, आप आगे तशरीफ ले जाइए और मुझको एक सर मुंह आगे जाने का हुक्म नहीं है, यानी बाल बराबर भी जो है मैं अब आगे बढ़ नहीं सकता। रसूल ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, मुझको यहाँ तनहा छोड़ कर जाओगे, यहाँ से तनहा छोड़ो, मुंतहा सातवें आसमान के ऊपर तरीके मुकाम, मुझको यहाँ से तनहा छोड़ के जाओगे, कहा या हबीबुल्लाह, और दूसरे फरिश्ते आगे आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप रंजीदा खातिर ना होइए, और मेरी इल्तिमा से कि आप जनाब बारी में अर्ज कीजिए और मेरे हजब ख्वाहिश जवाब दीजिए कि हजरत ने फरमाया कहो क्या है। तब जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझको आरजू है कि क़यामत के दिन अपने परों को पुलसिरात पर बिछाऊं और आपकी उम्मत को सलामत पार उतारूं। इतने में इसराफील दूसरे फरिश्ते हैं तख्ते नूरानी लेकर हुक्मे इलाही से जिसको रफरफ कहते हैं उसको अल्लाह ने नूर से पैदा किया है और 70,000 जवाहरात के 70,000 पर्दे जवाहरात के मुसाफर जवाहरात के थे, मुसाफत एक एक पर्दे की 500 बरस की राह थी, आखिर वो राह तय करके मुकाम रफरफ में जो इसराफील की जगह है पहुंची। यहाँ से अब जो है एक रफरफ एक तख्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है लेकर आए, उसके रसूल को जो है सवार किया गया और यहाँ से जो है कई हज़ार पर्दे 70,000 पर्दे थे, एक से दूसरे पर्दे की राह जो रास्ता है वो जो है 500 बरस की जो है राह, तो 70,000 पर्दों की जो है ये राह को तय करके रसूल जो है मुकाम पे पहुंचे, इसको रफरफ ही कहते हैं, जो इसराफील की जगह है पहुंचे और वहां से अर्श जल्दी से उठा लिया, अर्श मौला के वहां से जो है जल्दी उठा लिया। खिताब आया जनाब बारी से कह हबीब आगे आओ, कहबीब आगे आओ, अर्श मौला का मामला है सिर्फ यहाँ पे जो है उन्हीं का अल्लाह ताला की दादे बाबत कर है, हबीब आगे आओ। हजरत ने चाहा, हजरत ने चाहा कि नालेन पाँव से उतारे, नालेन अपनी पाँव से उतारे, तब क्योंकि आप जो नालेन पहने हुए थे मस्जिद नबवी में अपने मतलब अपने मदीने में अब मक्के मौजमा में अपने घर में वही नालेन के साथ जो है रसूल सवार हुए हैं, अब चाहा कि नालेन पाँव से उतारे, अर्शे अजीम है, अर्शे मौला अल्लाह ताला का
की अजमत के वास्ते आपने जो है हम उसे नाले में उतारने की जो है सोचा, तब जैसे ही इरादा किया, चाहा कि जो है नाले पांव से उतारे, तब अर्श मजीद जुम्बिश में आया, अर्श जो है हिलने लगा। हुक्म हुआ, यानी अल्लाह का हुक्म आया कि ए हबीब नालेन मत उतारो, मैं नालेन अर्श पर आओ, यानी नालेन के साथ अर्श पर आओ, तो अर्श खरार पकड़े, अर्श को जो है बेखरार हो चुका है, अब वो आपके नालेन से खराब पकड़े, वो बेसुकून हो चुका है, आपके नालेन से सुकून आए, वो खराब पकड़ेगा। आज़त ने अर्ज की, इनके सारी आजिजी ये सब कुछ है। आज़त ने अर्ज किया कि या इलाही, मूसा को हुक्म हुआ था कि 40 रोजे रखो और नालेन पांव से उतारो और तूरे सीनीन पर आओ, एक पहाड़ पे, जमीन पे एक पहाड़ है तूरे सीनीन, जहां पे अल्लाह ने उनसे कलाम किया है, उस पे बुलाने के वास्ते 40 दिन के रोजे रखाया और पांव से जो है नालेन उतारने को हुक्म दिया था। तो उसने अर्ज किया कि मूसा को हुक्म हुआ था कि 40 रोजे रखो और नालेन पांव से उतारो और तूरे सीनीन पर आओ, और ये मुकाम यानी अर्श मुअल्ला 1000 दर्जा बेहतर है, क्यों कर मैं नालेन समेता हूं, क्यों पांव में लगे जिसमें उनको बुजुर्गी हासिल हो, और तेरी खा के नाले इनसे अर्श को बुजुर्गी दूंगा। ये अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और देखिए कि कोई खास नाले नहीं थी, आम खास नाले बनाई गई थी, जो आम आदमी ने अस्मा पे जो बनाई गई थी उसी में से रसूल को आई थी, लेकिन उसकी निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लग गई थी, तो अल्लाह ने उसको इतना बुलंद मुकाम अता किया। ये निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई खास जन्नत से आई हुई नाले नहीं थी, जमीन पे जो आम आदमियों के वास्ते बनाई जाती वही नाले थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी उसका मुकद्दर था, रसूलुल्लाह ने जो है उसे खरीदा, उसको अल्लाह ने आपको दिया, आप पहने थे और उसी के साथ आपने सफर किया, तो अर्शे मुअल्ला पर उसकी अजमत इतनी हो चुकी कि अर्शे मुअल्ला उसके नाले के तुफेल में खरार पकड़ रहा, अल्लाह ताला जो है उसको बुजुर्गी अता कर रहा है। ये निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल की जो है अजमत को समझे, यहाँ पे आगे वही है पूरा, अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझिए, ये एक एक चीज की मेराज हो रही है। अब यहाँ पे अर्शे मुअल्ला की मेराज है, अर्शे मुअल्ला की मेराज है, आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खदमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्शे मुअल्ला की मेराज है। तेरी मेराज तू लोगों को कलम पर पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम पर पहुंचा, हमारी मेराज उनके कदम तक पहुंचा, हमारी मेराज उनकी मेराज और है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हबीब मूसा को इस वास्ते नाले उतारने का हुक्म दिया था कि खा के तूरे सीनीन कि उनके पांव में लगे जिसमें उनको बुजुर्गी हासिल हो, और तेरी खा के नाले इनसे अर्श को बुजुर्गी दूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाले इन समेत अर्श मजीद पर तशरीफ ले गए, देखा तशरीफ ले गए उस जगह, अब हमें तनहा थे, इजाबे की वी आई था रफरफ ने, आप कहते हैं वहाँ तो फिर रफरफ आया, आके मुझको उठाया और हिजाबे की वी आई तक पहुँचा है। अल्लाह ताला ने हिजाब में आज़म है सबसे आखिर का हिजाब हिजाबे की वी आई तक पहुँचा चुका है, और मैं उस जगह तनहा रहा। जब मुझको खौफे किबरियाई हुआ, अल्लाह के जलाल की हैबत, खौफे किबरियाई हुआ, अब देखिए यही हमारे तसव्वुर से आगे है, सबसे पहली बात तसव्वुर नहीं कर सकती वो मामला क्या है। जब मुझको खौफे की बिरयाई हुआ, तब ना कहा अचानक मानिन आवाज अबू बकर के, ये आवाज मैंने सुनी, खफ या मोहम्मद, अभी अल्लाह ने यहाँ एक आवाज बना के रखा था उनको इत्मीनान दिलाने के लिए, थोड़ा सा वहाँ पे अपने हबीब को, अब वो जो हैबत खाए हैं वो इत्मीनान में लाने के वास्ते उनके एक दोस्त की आवाज में जो है अल्लाह ने वहाँ पे ये बात कही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौकुफ करो कि बेशक परवरदिगार तेरा सलात में मशगूल है। देखिए दो बातें खास आ गई, एक आवाज आ गई, इसमें कह रहा है कि ऐ मोहम्मद ठहर, तुम्हारा परवरदिगार सलात में नमाज में है, ये कोई आम मामूली बात नहीं, सलात में। इस दम मैंने उस आवाज से मुताज्जुब होकर अपने जी में कहा, या इलाही इस जगह आवाज अबू बकर कहां से आई, लेकिन उस आवाज़ से वहशत मेरी जाती रही। एक आवाज मतलब अब अपनी एक यार गार की आवाज़ सुने तो वहाँ पर जो है वो वहशत होती वो जाती रही।
और मैंने अर्ज की कि जनाब बारी में या इलाही, ने अर्ज किया कि या इलाही तो नमाज पढ़ने से पाक है, और आवाज अबू बकर की कहां से आई? हुक्म हुआ है मेरी हबीब सलवात मेरी रहमत है तुझ पर और तेरी उम्मत पर, मेरी नमाज तुझ पर तुझे दूध भेजना है सलवात तुझ पर और तेरी उम्मत पर, और आवाज अबू बकर किसी इस वास्ते थी कि वो तेरा यार रार और नीस और वफादार है, बस ऐसे मुअन्निस की आवाज सुनने से वहशत तेरी इस मुकाम में दफा होगी, इस वास्ते मैंने एक फरिश्ता बसूरत अबू बकर के पैदा किया और आवाज उसकी मिसल आवाज अबू बकर है, उसने आवाज दी बस तेरी वहशत जाती रही। और बाजों ने यूं रिवायत की कि जब हजरत को खौफ हुआ उस वक्त एक खतरा पानी का कि शीरी ज्यादा शहद से और ठंडा ज्यादा बर्फ से था हजरत को नजर आया और उसे इल्मुल अव्वल वाखिर का मालूम हुआ तो वहशत जाती रही। फिर 70,000 पर्दे नूर से गुजर कर ख्वाजा हुसैन में पहुंची। आज रिवायत में है, बाज रिवायतों में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि खुदा ताला का दस्त मुकर्रम हाथ मेरे दोनों शानों के दरमियान आकर लगा और उसकी हाथों की न्याज की सर्दी मैंने अपने सीने में महसूस की और इल्मुल अव्वलीन और आखिरीन मुझ पर रोशन, अब जो कुछ के असर से बता सब रोशन हो चुका। अल्लाह तआला ने वो जो वहाँ पे जो हैबत थी उसके वास्ते अल्लाह तआला ने जो है पीठ पे हाथ रखा, तो आप फरमाते हैं कि उसकी ठंडक मैंने पीठ पे हाथ रखा, उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की और तभी इल्मुल अव्वलीन और आखिरी मुझ पर जो है रोशन हो गया। फिर वहाँ से आगे बढ़े, फिर 70,000 पर्दे नूर के, नूर के 70,000 पर्दे हैं अल्लाह ताला की जात तक पहुँच देंगे, 70,000 पर्दे पर्दों से गुजर कर ख्वाबा हुसैन में पहुँचे और वहाँ नूर एहदियत का जहूर हुआ, यहाँ पे अल्लाह ताला की जात जो है हर तरफ से जो है जलवागर हुई। तब आम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर एहदियत को सर देखा, तब सर मुबारक सजदे में रहा, यहाँ पे जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की जात में वासिल हुई, यहाँ पे अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि दना फतदल्ला फकाना ख्वाबा हुसैन, और करीब हुआ नज़दीक हुआ इतना नज़दीक हुआ कि दो कमानों का फासला रह गया था ख्वाबा हुसैन, और ना बल्कि उससे भी कम विलायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आई, तो इसकी तफसील मालूम होती है। खलीफतुल्लाह इमामना महदी माऊद अलैहि सलातो तस्लीम इस सूरे नजम की आयत जब आपने बयान किया तब आपने जब ये आयत पढ़ी कि दना फतदल्ला फकाना ख्वाबा हुसैन औ अदना, जब ऐसा ने पढ़ा तो आपने जो है दोनों हाथ बताए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह ताला की जात काबा हुसैन दो कमानों के उतना फासला रह गया बल्कि उससे भी कम और अदना। तब मेहदी माऊद अलैहि सलाम ने अपनी उंगलियों में उंगलियां पिरो दी और कहा कि मोहम्मद की जात अल्लाह की जात में ऐसे वासिल हो गई थी। उसके बाद ये शेर पढ़ा कि मन तू शुदम तू मन चुती मन जा शुदम तू तन चुती ताकत न को यद बाद अजी मन दी गरम तू दी गरी, यानी मैं तू हुआ तू मैं हुआ मैं जान हुआ तू जिस्म हुआ, ताकि इसके बाद कोई ये न कहे कि मैं कोई और हूँ और तू कोई और है। फिर मेहदी माऊद अलैहि सलाम ने शेर पढ़ा कि हम बलहारी सज्जना सज्जन हम बलहार हम सज्जन सिर सहरा सज्जन हम गुलहार, यानी मैं फिदा हूँ साजन पर साजन मुझ पे है निसार, मैं साजन के सर का सहरा हूँ साजन गले का मेरा हार। ये नाजो न्याज की बातें वहां पे जो है अल्लाह ताला की जात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वासिल हुए, कोई है कि जो है दीदार ही का इनकार कर देता है, कोई है कि जो है दीदार कहता कायल है लेकिन कैसा हुआ कह नहीं सकता। हमारे पास खलीफतुल्लाह इमामना महदी माऊद अलैहि सलाम ने साफ साफ फरमा दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह ताला की जात में इस तरह वासिल हो गई ख्वाबा हुसैन औ अदना, यानी उससे भी कम पार हो गई। अल्लाह ताला ने वहां पे इशारा में बात कही है भाई राजो न्यास की बातें हैं और पार हो गई, फिर बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है ख्वाबा हुसैन औ अदना उसके बाद हमने जो वही की जो करनी थी, यानी दूसरों को नहीं कहा बस कह दिया कि जो करना था वो कर दिया, हमने जो वही करनी थी वो कर दी, यानी अल्लाह ताला की जात जो है रसूल का रसूल जो है अल्लाह ताला की जात में मुकम्मल वासिल थे। तो आगे लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर एहदियत का जहूर हुआ अल्लाह ताला की जात में वासिल थे, जब आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर एहदियत को देखा सर मुबारक सजदे में, फिर एक आवाज आई कि अमीर ए मेरे दोस्त मेरे लिए क्या तोहफा है। अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचे, अब अल्लाह ताला
ने पूछा कि है मेरे लिए क्या तोहफा है। उसने ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तैबात, यानी बंदगी जो मुंह से की गई अल्लाह के वास्ते और बंदगी बदन की और बंदगी भी उसी के लिए है। अख्तला ने फरमाया सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी सलाम है तुझ पर ऐ नबी और रहमत अल्लाह की और बरकतें उसकी। फिर हजरत ने कहा सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी सलाम हो हम पर और सारे नेक बंदों पर। फिर उस मुकाम में फरिश्तों ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू, यानी मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद हक सिवाय अल्लाह के और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे उसके और रसूल उसके है। और बादहु ला शरीक लहू, उस मुकाम में इस बात ने ना कहा कि वहां कोई मुशरिक ना था। और अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे हबीब जो कुछ मैंने और तूने और फरिश्तों ने इस वक्त कहा उसको हर नमाज के कायदे में पढ़ियो। फिर फरमाया ऐ हबीब मेरे अर्श व कुर्सी लोह व कलम जमीन व आसमान नबादात जमादात बल्कि जुज़ व कुल मखलूकात 6,000 आलम खुशकी और 12,000 आलम तरी, जमीन पे 6,000 मखलूकात है और पानी में 12,000 मखलूकात है, 12,000 आलम तरी के और आफ्ताब महताब और सितारे और बुरूज और बहित और दोजख तेरी मोहब्बत के सबब मैंने पहनाए हैं, तेरी मोहब्बत भी मैंने जो है बनाए हैं और इस वक्त तेरे वास्ते इजाजत है जो चाहे सो मांग। अब देखिए इश्क जब पूरा जोश में है अल्लाह ताला, ये तमाम जो है ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है, अब जो चाहता है मां जो चाहता है मां। तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्द ही तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुबारक सजदे में रखकर फरमाया कि खुदावंद देखिए अजी खुदावंद उम्मत गुनहगार रखता हूं, खुदावंद उम्मत गुनहगार रखता हूं और तेरे अजाब से डरता हूं, उम्मत गुनहगार रखता हूं और तेरे अजाब से डरता हूं, तो तू मेरी उम्मत के गुनाह बख्श दे और दोजख की आग से पनाह दे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि थाई गुनाह तेरी उम्मत के बख्शे, ये कहो ना तेरी उम्मत के बख्शे। फिर हजरत ने सजदे में सर रख के अर्ज की कि या इलाही तमाम गुनाह मेरी उम्मत के अपने फजल व करम से बख्श दे। हुक्म हुआ आधे गुनाह बख्शे। फिर यही अर्ज की ना तो यहाँ अल्लाह ताला का एक दूसरे से सुना और अल्लाह का फिर अर्ज की कि या इलाही तमाम उम्मत के गुनाह अपने फजल व करम से बख्श दे। हुकुम हुआ के आधे बख्शे। फिर यही अर्ज की हुकुम हुआ के जो सिद्के दिल से कलमे तैयबा एक बार पढ़ेगा और उसके मजमून पर एतिकाद एक कामिल रखेगा उसको बख्शूंगा अगरचे के गुनहगार। सिद्के दिल से कोई मामूली बात की जो खुदूस है इसके ताल्लुक से खलीफतुल्लाह इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी मिकदार ठहर जाए जितना मूंग का दाना गाय की सींग पर मारे और आवाज करे उसका काम तमाम। इतनी देर दिल पे ठहरना है सिर्फ कि जितना जो है आप मूंग का दाना लीजिए और बैल की जो है सींग पे मारिए वो टिकता ही नहीं, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो ऐसे ही। तो उतनी देर अगर ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ पे करार पकड़े तो उसका काम तमाम हो। सिदका जो खुलूस है वो बात यहाँ पे हो रही। तो अल्लाह कह रहा है कि सिदके दिल से तो हमारे पास वो जो जिंदगी भर वो प्रैक्टिस जो की जा रही है इल्लल्लाह तो इलाहा होने ही की वो इसी वास्ते कि वो एक मरतबा टच होना है। आप देखिए दो पत्थरों में ले रहे मार रहे मार रहे मार रहे एक जो सही टच होगा उसमें चिंगारी निकली तो वो टच होना है इखलास के साथ कामिल इखलास के साथ अल्लाह की पूरी मुराद वहाँ पे पूरी होती। तो अल्लाह फरमाया है कि जो है जो कलमे तैयबा सिद्क के साथ पढ़ेगा उसके मजमून पर एतिकाद कामिल करेगा उसको बख्शूंगा अगरचे गुनहगार होगा और अगर शिर्क और कुफ्र तक पहुंचा होगा तो उसको हरगिज ना बख्शूंगा जहन्नम के अजाब से नजात ना दूंगा। फिर हुक्म बारी हुआ कि ए दोस्त तूने दुनिया के दरमियान फकीरी और गरीबी अख्तियार की अगरचे दुनिया पानी है मगर तू दुनिया चाहे तो तमाम जमादात और नबादात वगैरह वगैरह को सोना चांदी बना दूं और दुनिया को दारुल खरार कर दूं और याकूत और जमरूद और लूलू और मरजान जा बजा पैदा कर दूं ताकि अपनी उम्मतों को लेकर अब्दुल आबाद बेमौत के गुजरान करो और सब नेमतें जन्नत की वही मौजूद करूं। तब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने बहुत गरीबी बहुत परेशान जिंदगी गुजार रहे थे जमीन के ऊपर तो यहाँ पे इश्क पूरा
जोश में है, पूरे जो है अपने कमाल पे है। अल्लाह कह रहा है कि अगर हबीब अगर तुम कहो तो जमीन ही पे जो है तमाम खजानों को जो है ला दूँ, ताकि तुम जो है अपनी उम्मत के साथ अब्दुल आबा वहीं पे हो। तब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक सजदे में रखकर मुनाजात की कि खुदावन दुनिया मुर्दार है, यानी दुनिया जीव मुताली बहुत खिलाफ है, दुनिया मुर्दार है, तालीब उसके कुत्ते हैं, और मुझको दुनिया से आखिर बेहतर, मुझको दुनिया से आखिर जो अल्लाह की दिल में बातें जो अल्लाह के पास बातें वही रसूल की जो है दिल में बात। और अल्लाह ताला ने जब याद दिलाया ए हबीब सवाल जिब्राइल का तू भूल गया, तो रसूल ने अर्ज की, देखिए रसूल का जवाब दिया, या इलाही तू दाना और बीना है, जानता है सवाल जो आप सवाल किया गया तू जानता है, तो सवाल नहीं रसूल जो है अर्ज करने की क्या जरूरत है वहाँ पे, अल्लाह ताला जानता है। जब जिब्राइल अमीन ने कहा एक आपने जो है अर्जी भेजी थी कि मेरी ख्वाहिश है कि जमीन के पुलसरात पर जो है पेपर बिछाऊँ, तो उन्होंने कहा कि हबीब सवाल जिब्राइल का तू भूल गया, रिसालत माब ने अर्ज की या इलाही तू दाना और बीना है, तो सब जानता है और सवाल उसका खूब तू खूब जानता है, हुक्म हुआ ए दोस्त सवाल जिब्राइल का तेरे दोस्तों और असहाबों के वास्ते मैंने मंजूर किया। वो सवाल ये है कि हज़रत जिब्राइल ने कहा था कि या रसूल्ला मुझे तमन्ना है कि क़यामत के दिन अपने परों को बुलसरात पर बिठाऊँ और आपकी उम्मत को सलामत और पार उतारूँ। बाद इसके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के वास्ते दरगाह गफूर रहीम में दुआ की और जनाबे किबरियाई ने उसे कबूल फरमाया। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुदा ने 90,000 कलमात राज व नियाज के और अमर व नहीं की इरशाद किए। फिर जनाबे बारी से हुक्म आया कि हर रोज 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे हर बरस में तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर मैंने फर्ज किए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक सजदे में रखकर इल्हाब जारी की और कहा कि या इलाही उम्मत मेरी ज़ईफ़ व नाकवा है। इसमें दो रिवायत है, एक रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म इलाही या अमर इलाही लेकर जो है वापस आ रहे थे छठे आसमान पे, मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहि सलाम ने पूछा कि मुबारकबादी दी मेराज की और कहा कि अल्लाह ताला के दरबार से क्या तोहफा मिला है क्या हुक्म मिला है, तो कहा कि जो है दिन में 50 वक्त की नमाजें और साल में जो है 6 महीने की रोजे, तो कहा कि ये काम आपकी उम्मत से हरगिज़ नहीं हो सकता, जाइए और खुदा तआला से कम करवा के रसूल गए और फिर कम करवाए 6 महीने की जाते 5 महीने की रोजी 50 की 40 नमाजें। इस तरह जो है 3 से 4 चक्कर रसूल की हुई, यहाँ तक कि जो है 5 वक्त की नमाज और जो है 1 महीने की रोजे साल भर में पूरे हुए। तो रिवायत मुअख्खिरीन ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर चाह रहे थे कि जो है और कम करवाएँ और हमारे कहा कि जो है मेरी उम्मत जो है आपसे काफ़ी ताकतवर उम्मत थी, काफ़ी उनकी उम्र दराज थी, लेकिन वो दिन में 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ेगी, आप देखिए फिर जो है फिर कम करवा के आएगी। तो मुअख्खिरीन कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजाना वापस लाना बार बार जो भिजाना था वो हकीकत में आपकी आंखों में वो जलवे खुदाबंदी को देख रहे थे, रसूल जाते खुदा को देख के आते, तो इब्राहिम अमीन जो मूसा अलैहिस्सलाम जो है आपकी आंखों में वो जलवा देख वो दीदार देखते कहते हैं कि फिर जाइए आइए, वो खाए जो है बार बार इधर कम करवा रहे हैं और वो जो है महसूस हो रहे हैं अपनी जो तलब का पैमाना था उधर लतारा ने सुना था यहाँ पे जो है अब उसे भर रहे हैं आंखें मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल में, रसूल की आंखों में वो जलवा इलाही देख रहे हैं। और एक दूसरी रिवायत इस तरह से है कि रसूल जो है वहीं पे सजदे में जो है अर्ज किए कि इलाही उम्र मेरी ज़ईफ़ व नातवा है कमजोर है और उम्र थोड़ी थोड़ी इस कदर भारी गिरा इस कदर बोझे गिरा ना उठा सकेगी, हुक्म हुआ कि हर रोज 25 वक्त की नमाजें और 3 महीने की रोजे फर्ज किए। तो हज़रत ने सर मुबारक सजदे में रखा और दिल में इरादा किया कि अगर रात दिन में 5 वक्त की नमाज और बरस में मिसाल में 1 महीने की रोजे फर्ज हुए तो बखूबी अदा हो सकें। दिल में इरादा किया अगर 5 वक्त की नमाज हो जाए, बोला नहीं दिल में कहा कि अगर 5 वक्त की नमाज और 1 महीने की रोजे हो जाए तो मेरी उम्मत कर ले सकती, तो फौरन तब हुक्म अरहम राहिमीन का हुआ कि अभी मेरे दिल में तूने इरादा किया है तो मैंने कबूल किया, दिल में तूने इरादा किया है तो मैंने कबूल किया और तो और 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे का सवाब तुझको मिलेगा, यानी अब 5 पे जो है 50 का सवाब मिलेगा और 1 महीने के रोजे पे 6 महीने के रोजे का सवाब मिलेगा, मैंने तुझको ये बख्शा। फिर हजरत ने दरगाह इलाही में अर्ज की के इलाही
उम्मत मेरी मुझसे पूछेगी कि अल्लाह ताला के हुजूर से हदिया व तोहफा तोहफा हमारे वास्ते क्या लाए हो, मैं उनको क्या खुशखबरी दूंगा। हुक्म हुआ कि अव्वल नमाज 5 वक्त की और रोजे 1 महीने रमजान के और 30,000 कलमा, अब टोटल 90,000 जो है अल्लाह ताला और रसूल के दरमियान में बातें हुई, और 30,000 कलमा दीनी और दुनियावी उनको दीजिए, और 30,000 कलमा जो भेद के है रास के ये किसी से ना कहना, और बाकी 30,000 कलमा जो है उसको चाहो कहो या ना। अब हमारे तक जो बातें आम खास आई वो सिर्फ 30,000 कलमा थे, ठीक है, जो अल्लाह ताला टोटल 90,000 कलमा थे उसमें बातचीत हुई अल्लाह ताला उसी की, तो उसमें से जो है हुक्म था कि 30,000 जो है सीधा जो है तमाम उम्मत में जो है पेश कर देते, तमाम जो रसूल ने जो है अवाम और नवाही तमाम जो जिंदगी गुजारने की बंदगी करने की जो अहकाम लगाए हैं 30,000 कलमा हुक्म था कि जो है पहुँचा। 30,000 कलमा खास है सिर्फ खुदा ताला और आपके दरमियान है, वो कहने का ही हुक्म है, वो कहने का ही हुक्म नहीं, वो सिर्फ उनके दरमियान है, हमने जो वही करनी थी वो कर दी, ठीक है, और फिर 30,000 कलमात है वो चाहे तो कहो चाहे तो, यानी काबिल को देना है ना काबिल को, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है कि इनके 2 बर्तन हासिल किए, एक ऊपर जाहिर कर दिया, अगर दूसरा जाहिर कर दूँ तो ये मेरे भाई मेरा तेरा काट, तो दूसरा इल्म था तो इन पर जाहिर किया गया, दूसरों पर नहीं जाहिर किया गया, वो विलायत का इल्म था, तो रसूल अल्लाह ताला ने जो है रसूल को ये इख्तियार दिया कि ये जो है जिसे चाहे दो और जिसे चाहे ना दो। हाँ, हजरत ने कबूल किया और सजदे में सर रखकर अर्ज की कि या इलाही जो कुछ मैंने देखा और सुना है ये सुना है, किसको कहूँ, कौन मेरी इस बात का एतबार करेगा। हुक्म हुआ के पहले अबू बकर तुम्हारी बात को सच जानेगा, पीछे इसके हर एक मानेगा, पहले जो है अबू बकर मानेगा, उसके बाद जो है तमाम जो है मानेगी, फिर अल्लाह ताला से जो है आप जो है सजदे शुक्र बजा लाया, क्योंकि एक रिवायत है तो एक रिवायत भूल गया था, तो कहते हैं जो है काम करते हैं कि जो है नकलियात ये बंदगी में सिर्फ आलम में रसूल ने जो ये मेराज का सफर है आपने जो है सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि आने वाले पीछे वाले तमाम ये अखबार जो है रसूल को जो है बता दी गए, पीछे जो गुजरा सो भी आने वाला भी इल्मुल अवलीन व आखिरीन बताया गया था, तो नकलियात बंदगी में सिर्फ आलम रहमतुल्लाह अलैह में ये नकल आई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शे मौला के नीचे एक कौम को देखा जो मशगूल बज़िक्र अल्लाह थी, अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल थी, इतना मशगूल कि रसूल अकरम फरमाते हैं कि मुझे रश्क हुआ, मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मैं उनके साथ बैठता, यानी वहाँ पर मैं होता, रसूल को ख्वाहिश हुई कि मैं मुझे रश्क हुआ, रसूल ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि खुदा कौन सी कौम है, कि कौन है जो तेरे जिक्र में इतनी मशगूल है, रसूल ने बल्कि रिवायत में रसूल ने जो है सलाम किया उनके जिक्र की वजह से, उनकी मुस्तगरक बहक इलाही ऐसा मुस्तगरक थे उसकी वजह से जो है उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, अल्लाह की याद में ऐसे मशगूल हैं पूरा सर से पैर तक जो है फना है, रसूलों का सलाम सुनी नहीं और जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया, तब रसूल फरमाते हैं कि मुझे रश्क हुआ कि उन्होंने मेरा सलाम तक नहीं सुना, इतना मशगूल है अल्लाह की याद में, तो अल्लाह से अर्ज किया कि खुदाया ये कौन है, तो कहा कि मेरे हबीब की तेरे फजल मेरी की कौम है, जो बेबाद है ये हमारा फजल है कि हमने जो है उन्हें ऐसा खुद का मुखा बता कि हमारे पास की रिवायत हो कि कौमें पहली मौत के साथ सलाम का मुकाम और मरतबा है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया है, जब इल्मुल अव्वलीन और आखिरीन बता दिया गया इसमें सबका जो है ईमान यकीनन उमर मेहदी मौत अलैहि सलाम की जो है कौम के ताल्लुक से बता दिया गया, और ये खुसूसियत है इस कौम की कि मशगूल बात, ये कौम की सिफत है दूसरे कारण नहीं बल्कि मशगूल बाप हैं, ऐसे मशगूल के रसूल ने सवाल किया तो जो है सलाम किया तो जो है जवाब ना दिया, क्योंकि वो फना थे अल्लाह की ज़ात मशगूल है, अल्लाह ताला ने जो है उनको आने वाले लोगों का जो है हाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है उस कौम में पैदा कर दिया जिसको मीराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने बताया, इस कौम को अल्लाह ने बताया, मुमकिन है शायद सिर्फ कौम इस्लाम के सहाबा हो बल्कि जो है आने वाले दौर के हर वो शख्स हो सकता हो जो है साहिब दीदार हो जिसने देखा हो, और रसूल की मेराज के वाक्य से हमें सीधे की ये बात मिलती है, तो ये आम बात नहीं है, खास बात तो यकीन खास है, रसूल का ये खासा है बेशक रसूल का ये खासा रहा है मेराज मुस्तफ़ा से रसूल, लेकिन रसूल ने बता दिया कि एक बशर बसूरत बशर बज़ाहिर बशर है इंसान अशरफुल मखलूकात ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, फिर जब सवाल किया गया आके कि जो है ये मेराज हो सकती है, फिर जब लोगों ने सवाल किया कि आपको ये नेमत तो हमको क्या, लोगों की ख्वाहिश होती ना वो भी दीदार से मुशरफ होना और ये मुकाम हासिल होना, तो वहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि असलातुल मिराजुल मोमिनीन,
नमाज मोमिन की मेराज, यानी जो मुझे मेराज में हासिल हुआ वो तुम्हें मेराज में हासिल होगा, तुम्हें नमाज में हासिल होगा। यानी जो मेराज का नतीजा है वो अल्लाह की जात, अल्लाह का दीदा। और कहा जो रिजल्ट है, मेन चीज जो नतीजा है वही जो है दीदार इलाही है, और वो जो है मोमिनीन को नमाज में हासिल होगा। तो इमामना मेहदी मौऊद ने हमें वही तोहफा लेकर आए, खोल कर इस्लाम में बयान कर दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दर को खास लोगों के वास्ते खोला, दर को खोल दिया दीदार के इस्लाम के, इससे पहले दर नहीं खुला था। कोई नबी जो है इस दावत पर मामूर नहीं था सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके ताबे ताम खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद इस्लाम के। अब ये दरवाजा जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खोल दिया गया खास लोगों पर, जो काबिल थे उनको दिया गया, जो बहरा खास था वो खास जो लोग थे उनको ये बहरा दिया गया। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में वही बहरे विलायत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम कर दिया गया, जिसे बहरे आम के नाम से याद करते हैं, बहरा आम। वो फैज़े विलायत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दीदार का दरवाजा जो खास लोगों के वास्ते खोला गया था, क्योंकि देखिए वहां पे मेराज हुआ दीदार हुई, सीधी सीधी बात है, अहदीस में सब में जो है मौजूद हुए। तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हर एक में जो है तलब बेचैनी होना है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से जहाँ पे जो है लंतरानी कह दिया गया था, अगर उनकी उम्मत इस बात का इनकार करे तो उनके वास्ते जायज है दीदार इलाही का, अगर मुमकिन होते हैं तो उनके वास्ते जायज है। लेकिन यहाँ पे हम उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने बाकायदा बुलाकर अपने दीदार से मुशर्रफ किया और फिर ये कहवा भी दिया कि सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की जो है मेराज है। और खलीफतुल्लाह इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस दर का इस दरवाजा ऐसा खुला कि यहाँ पे जो है बगैर अल्लाह को देखे कि जो है रकात नहीं मानती थी, बगैर उसको देखे कि जो है श्रद्धा नहीं करते थे, बल्कि जो है शेख मुस्तफा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मक्तूब में लिखते हैं कि मैंने एक फकीर ने वक्ते इंतकाल पर इस शेर को 19 मरतबा पढ़ा और इंतकाल कर गया कि इमरोज जमाल तू बे पर्दा जाहिर दर है अतम के वादे पर्दा बराए चीज, यानी मैं आज तेरे जमाल को तेरे चेहरे को बगैर किसी पर्दे के देख रहा हूँ और हैरत में हूँ, लेकिन तूने कल का वादा किस लिए किया है। यानी हर तरफ जो है कल 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 मशहूर है, कयामत में होगा कयामत में होगा, मैं तो आज बगैर पर्दे के तुझे देख रहा हूँ। तो ये वो कौम है जहाँ पे जो है ऐसे दीदार इलाही से मुशर्रफ हुए। आपके वहाँ की आम फकीर का आपको जो है ये वाकया लिखा है कि वक्त इंतकाल पर उन्होंने जो है तजल्ली इलाही देखते और इस शेर को जो है पढ़ते 19 मरतबा जो है इस शेर को पढ़ा और इंतकाल कर गए। तो ये कौम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है। अब देखिए अगर अल्लाह चाहा तो बाद में जो है थोड़ी सी और मजबूत गुफ्तगु कर सकते हैं इस मुकदमे के ऊपर, इस दीदार इलाही के ऊपर। और हमारे वास्ते जो है ये वो कोई और होंगे भाई जिनके वास्ते जो है दीदार खुदा वगैरह जो है बहुत बड़ी बड़ी पीएचडी वगैरह बातें हैं, लेकिन कौम मेहदिया के वास्ते ये बेसिक है यहाँ से स्टार्ट। क्योंकि जो है मेहदी इस्लाम जो है खास तौर पे जो वक्त आखिर जो मेहदी इस्लाम का जो रखा गया है वो इस मकसद को पूरा करने का, तमाम जो कायनात बनी है वो इसी वास्ते कि अल्लाह जो है अपने आप को जो आश्कार करने की जो ख्वाहिश थी, जो उसके अंदर जो एक जो जोश था कि अपने आप को जो पहचाना जाने का, वो ख्वाहिश को खादिम इस्लाम ने जो है पूरा किया। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के तुफेल में आम खास कर दिया गया, जो क़यामत की जो शर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे अहले बैत से एक शख्स मेरा हम नाम ना आएगा। तो मतलब वो कहना ही था, मतलब उसका ये नहीं था कि जो है क़यामत आते ही इस्लाम आ जाएगी, बल्कि जो है क्योंकि जो है अल्लाह ताला जिस मकसद के वास्ते कायनात को बनाया है वो उस मकसद को जो है मतलब कायनात को तबाह नहीं करेगा जब तक कि मकसद पूरा ना करे। कायनात को क़यामत नहीं लाएगा, बर्बाद नहीं करेगा, उसका जो है पूरा ख़त्म नहीं करेगा जब तक कि अपना मकसद पूरा ना कर ले। और वो पूरा होना है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से, मेहदी आएंगे उस मकसद को जो है पूरा करेंगे आम खास पे, इसीलिए कहा कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी। यानी अल्लाह ताला जो इस कायनात को जो है ख़त्म नहीं करेगा जब तक कि अपने मकसद को पूरा ना कर ले, जिस वजह से कायनात पैदा की गई थी। अल्लाह का मकसद ही था कि जो है वो जो है अपने पहचाना जाने का जो उसका मकसद था, जो उसकी ख्वाहिश थी, वो खुद कहता है कि जो है मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे ख्वाहिश थी कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने मखलूक को पैदा किया। और वो जो ख्वाहिश थी उसके वास्ते इंसान जो है प्रिपेयर किया जा रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंसान जो है कामिल हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये दीदार का जो है दरवाज़ा खोला और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहलवा दिया सूरह कहफ की आखिरी आयत में कि कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम युहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फिर कहता है कि फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादती रब्बिही अहद। यानी वहां पे कह रहा है, देखिए कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। अब नादान लोग हैं वो ये आयत कोट करके कहते हैं कि देखो हमारी तरह बशर कहने को कह रहा है,
बल्कि वहां पे बता रहा है कि देखो तुम जैसा बशर हूं और मैंने ये काम कर दिया है। कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन मुझ पर वही आती। अब फिर आगे जो है ये बात कही जा रही है कि अल्लाह ताला की वहदत की गवाही दे दी, उसके साथ साथ ये बात कही जा रही है कि फमन कान यरजु लिका रब्बी फलयामल अमलन सालिहा, बस जो अपने परवरदिगार के दीदार की आरजू रखता है, यानी अब जो मेरा काम हुआ, साथ ही में दीदार की बात कर रहे हैं, वहां पे जो है यहाँ पे बशर है रसूलुल्लाह वो बात नहीं है, बल्कि अब एक लिबास में रसूलुल्लाह को भेजा गया था, तुम भी ये काम कर सकते हो उनके सदके में, उनके तुफेल में, कर सकते हो। अब जिसको करना है वो अमल साले करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। वो अमल साले को मेहदी इस्लाम ने फरमाया कि तरक्की खुद ही अपने आप को हटाना ही जो है अमल साले है। इसको हटाओगे तो खुदा अपना जलवा जो है आप देखेगा, खुदाओं से खुदा के देखेगा जो है वहाँ पे जलवा नमूदार होगा। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खातिम इस्लाम के सदक़े में हम तमाम को जो है जो मीराद का जो मकसूद है जो नतीजा है जो अल्लाह की ज़ात और अल्लाह का दीदार है वो अदा करें, हमें जो है मौत सब इस्लाम में जलाए कि मारे और उसे अशर भी मौसम की जो मिलता है।